अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ हमज़ा। आज का हमारा जो ब्लॉग है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक बाग में इफ्तारी करने वाले हैं और वो बाग हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मिल्कियत में रह चुका है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में आने के बाद वो बाग रसूलुल्लाह ने हिबा कर दिया, यानी लोगों के लिए वक्फ कर दिया। तो उसी बाग की तरफ जाएंगे और उस बाग की जो डिटेल्स वगैरह हैं, वो बाग का पूरा पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इंशाल्लाह वो मैं आपको वहीं पहुंचकर बताऊंगा। अभी बस हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे जाके इफ्तारी करनी है, तो वहाँ पे पहले पहुँचना है, सारा इंतज़ाम और सब देखना है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है बाग में। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बाग में पहुंच चुके हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में भी रह चुका है। और ये बाग, और इस बाग की एक खासियत भी यही है कि इसके अंदर सारा ओल्ड फैशन, जो अरब का ओल्ड ट्रेडिशन था, उसका काफ़ी टच दिया गया है। तो इसी बाग में आ चुके हैं और ये एंट्रेंस थी, और ये सारी ओल्ड ट्रेडिशन जितना भी अरब का जो था, सारा ये पुराना भी है और नया स्ट्रक्चर हरम का। पहले इस तरह की ये ट्रेन स्टेशंस थे, और फिर ये माशाल्लाह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियाँ लगी हैं। ये सारी फ्रेमें लगी हैं जिसमें सारा पुराना दिखाया गया कि अरब पुराना कैसा था। और ये बाग है आगे, और ये पीछे सारा इसका एंट्रेंस था, पूरा अंदर आने का और रास्ता था। और यहाँ पे आते ही ये खूबसूरत सा, बहुत अच्छी बड़ी सी लाइट, तो ये जो इस चार्ट पे थी, इस चार्ट पे सारी हिस्ट्री है इस बाग की, कि ये बाग इनका था, इनका बिलोंग किया था। अभी यहाँ पैसे की नमाज़ पढ़ी है। तो अभी आप बाग का टूर देने से पहले मैं बता दूँ कि ये बाग का क्या पीछे बैकग्राउंड है। दरअसल ये बाग जो है वो मुखैरम नामी शख्स का था, और मुखैरम यहूदी है या मुसलमान, इसमें इख्तलाफ है। चार्ट पे जो लिखा हुआ है वो तो इन्होंने यहूदी का लिखा हुआ है कि मुखैरम यहूदी है, लेकिन इसकी मुसलमान होने का उलमा में इख्तलाफ है। तो अब इसमें ये लिखा गया है कि मुखैरम ने जब गज़वा अहद वजूद में आई, मार्का वजूद में आया, तो मुखैरम ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ जंग पे लड़ने, तो मेरी 7 प्रॉपर्टियाँ हैं, यानी 7 उसके पास जगहें थी, तो वो सारी की सारी जब मैं अगर शहीद हो जाऊँ तो वो सारी की सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी जाए। तो जब वो गए गज़वा में लड़ने मुखैरम, तो वो मुखैरम उस गज़वा में मर गए या शहीद हो गए, तो फिर उनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में आ गई। तो लिहाजा इस उन्हीं के साथ साथ ये बाग भी रसूलुल्लाह की मिल्कियत में आ चुका। उसके बाद उसमें से 6 जो हैं इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को दे दिए, जो गरीब अंसार थे, तो उन्हें दे दिए उनकी मदद के लिए। तो ये इस बाग का नाम मज़ारुल आलियातुल मदीना। तो इस तरह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में आकर, और फिर रसूलुल्लाह ने इसे सदका कर दिया। तो ये इस बाग का सारा बैकग्राउंड था, और इस बाग का थोड़ा सा आपको टूर दे देते। ये बाग के अंदर सारी बैठने की जगह है, सारी ये भी एक झोपड़ी नुमा बनाया है, और उसके नीचे ये बैठने के लिए सारा ये इंतज़ाम है। और यहाँ पे सारा ये बाग का खूबसूरत माहौल है, सारा सारे तोते हैं माशाल्लाह।
और ये जो है ये भी एक नशिस्त इफ्तार करने की जगह ही है, यहाँ पे कोई लोग आके इफ्तार कर सकते हैं। बैठने की जगह ये भी, ये सारी यहाँ पे बैठने की जगह है। और वो जो पीछे से पानी गिर रहा था तो ये सारा पानी यहाँ का बह रहा है और ये पानी बह ही रहा है, बहता जा रहा है आगे तक। और ये बस दरख्त हैं बहुत प्यारे प्यारे खजूर के, और बाकी सारी ये नशिस्त हैं। यहाँ भी एक नशिस्त है और ये छोटी छोटी नशिस्तें बनी हैं झोपड़ियों के अंदर। और ये जो है ये हैं यहाँ पर इस पिंजरे के अंदर हिरन है, ये हिरन और एक दूसरी हिरन वहाँ पे बैठी हुई है। और ये हमारी हिरन हमसे मिलने आ गई ऊपर। हेलो माशाल्लाह, ये हमारे हिरन भी वेलकम कर रही है। और बस बाकी है थोड़ा सा बस बाग बाग ही है और ये सारा कुछ। यहाँ पे छोटी छोटी नशिस्तें बनाई हुई और तो कुछ नहीं है। और बाकी वहाँ पर जो वहाँ पे सारा यानी जो इस बैरिकेड्स के उस तरफ सारा इफ्तार का है, वहीं पर हम भी इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। और ये एक और रास्ता जा रहा है। ये जो है ये जो शख्स हैं ये हैं अबू मोहम्मद, जो यहाँ का सारा कुछ देखते हैं और वो हर गेस्ट को बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं, यानी बहुत अच्छे से उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं और हर एक शख्स से बहुत खुश अखलाक से करते हैं। और जो भी शख्स आता है तो उन्हें अपनी तरफ से खजूर और पानी और कहवा वगैरह खुद अपनी तरफ से सर्व करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की और ये बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे शख्स हैं ये, अखलाक के भी और देने लेने में भी बहुत सखी शख्स हैं। ठीक है, बस अब इफ्तार का वक्त करीब है, इफ्तारी करते हैं और उसके बाद फिर आपको हम यहाँ के जो देखभाल करने वाले हैं, यहाँ सबका जो वेलकम करने वाले अबू मोहम्मद, उनसे फिर आपको थोड़ी सी बात कराते हैं। इंशाल्लाह भी चलते हैं इफ्तार के लिए। فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا مرحبا حياكم الله في طيبة طيبة في المدينة المنورة في مزارع عالية المدينة، الله يحييكم ويا مرحبا فيكم، أهلا وسهلا. شكرا حياكم الله، حياكم الله، أهلا وسهلا. تو یہ تھے ابو محمد جو پاکستان کو دعاؤں سے نواز رہے تھے اور الحمدللہ افطاری بھی کر لی، نماز مغرب بھی ادا کر لی۔ اور اب یہ آپ کو شاپس دکھا دوں۔ یہ جو شاپ ہے یہ ہے پتھروں کی، یہاں پہ انگوٹھیاں تسبیحیں پتھروں کی جو بنتی ہیں، یہ سارے اسی کی دکان ہے، سارے اینٹکس۔ اور یہ پیاری پیاری بطخیں، بطخیں یہاں پہ گھومتی ہوتی ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ تسبیحیں ہوتی ہیں اینٹکس دانوں کی، یہ دیکھیں کتنا نایاب۔ اس کے اندر بچھو ہے، پتھر کے اندر بھی بچھو ہے۔ اس طرح کے جتنے اینٹکس پتھر ہوتے ہیں یہاں پہ سارے اویلیبل ہوتے ہیں اور یہ فار سیل ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پہ آئیں تو اس کو خرید بھی سکتے ہیں، انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ سارے قالین وغیرہ، یہ لالٹین ہے، یہ قالین تھوڑے سے، اور یہ بھی لالٹین، اور یہ ساری باسکٹس وغیرہ ہیں۔ اور یہ بھی کوئی مشین لگ رہی ہے یہ، لیکن یہ پرانے زمانے کی، یہ سارا انہوں نے اولڈ ٹچ دیا ہوا ہے کہ پرانے زمانے میں کس طرح سب ہوتا تھا۔ دیکھیے یہ پرانے زمانے کا ٹی وی، پرانے زمانے میں اس طرح کے ٹی وی ہوتے تھے، پھر لالٹین وغیرہ۔ اور یہ بھی کوئی ڈیوائس ہے، بہت پرانی، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے۔ تو یہ سارا پرانا ٹچ دیا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی پرانے زمانے میں استعمال ہوتی ہوگی۔ اور یہ لالٹین میں بہت لڑکائی ہوئی ہیں، اور یہ یہاں پہ ساری پرانے زمانے کی ان کی فریمیں، پرانے زمانے میں کس ان کی ملک ان کا سارا کیسا تھا۔ یہ Yeah.
ये इनका अमीर फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ है, ये इसकी तस्वीर लगाई हुई इन्होंने यहाँ पर। और ये भी सर इनका पुराने ज़माने का यहाँ पर एंटीक टच। ये देखिए कार्ट रखी हुई, पहले ज़माने में जो गाड़ियाँ जो सवारियाँ होती थी इस पर होती थी, इसके आगे कोई ऊँट बांध दिया, घोड़ा बांध दिया इस तरह से। और ये फिर बत्तख आ गई हमारे सामने। ये है मुश्क, जिससे पहले ज़माने में पानी पिया जाता था, पिलाया जाता था, कि वही मुश्क है। और ये कुछ एंटिक, यानी ऑल ओवर माहौल बहुत अच्छा है, पुराने ज़माने का सारा टच है और बहुत खूबसूरत मंजर है। और ये फिर सारा यहाँ पे ओल्ड फैशन। ये भी मेरे ख्याल से फॉर सेल ही, ये भी एक शॉप नुमा बने हुई है कि यहाँ पे बंदा है और इसे ले सकता है, ख़रीद सकता है। जिनके बादशाहों की तस्वीर है, जिन्होंने यहाँ पे हुकूमतें करी हैं। और ये चप्पलों की दुकान है, और बहुत बड़े बड़े चप्पल हैं भाई पहले तो, बाकी ये सारे छोटे छोटे से और नॉर्मल साइज़ के जूते, वो कितने छोटे से। और ये जो है ये सारा चाय का स्टॉल है, चाय का बैठा गया जो अपन अभी बंदा है बैठे चाय वगैरह पिए, तो ये सारा। इस बाग में जो है वो हर किस्म की खजूर अवेलेबल होती है। ये जिस तरह ये सारी पूरी खजूर की शॉप है, इसके अंदर और भी कोई चीज़ें होंगी लेकिन यहाँ पे जो हर किस्म की खजूर है, ये किस्म की खजूर है, ये तो अजवा लग रही है, बाकी इसका नाम नहीं पता, इनमें अंबर भी है। और ये लोबान वगैरह पड़ा हुआ है, ये मक्या खजूर है, ये भी अजवा है, अजवा तो लालिया इन्होंने बताया अभी भाई ने, ये जो अरबी में होते हैं अजवतुलआलिया, क्योंकि ये मज़ारियातुलआलियातुलमदीना ये खजूर है। और ये अजवतुलआलिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें शिफा है, तो यही है। बाकी पिस्ते वगैरह और ये सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े। मैं वो जब एंटीस के पास एक ही बत्तख दिखी थी, लेकिन यहाँ पर तो बत्तख का कुंबा है पूरा, ये सारी बत्तखें घूम रही हैं, एक वो वहाँ बैठी है और दो वहाँ पे हंसों का जोड़ा बैठा है। ये दो बत्तख ये रही, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, दुनिया से कतई नजर है। और बस अभी हमारा यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म, अब हम जाएंगे दोबारा अपने अपने होटल या हरम, ये तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन अब यहाँ से रवानगी है तो बस गाड़ी आ जाए उसको हम यहाँ से निकलते हैं। अपने ब्लॉग को भी हम अबू मोहम्मद के लाफिस पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। खुदा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुलाकात हो गई अबू मोहम्मद से, आखिरी में उन्होंने लाफिस भी किया और बहुत अच्छे, बहुत अच्छा इखलाक, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी, बहुत मज़ा आया। और अगर किसी मुसलमान भाई को मदीना शरीफ की हाज़िरी हो, दुआ है अल्लाह उसे हाज़िरी दे, तो ज़रूर इस बाग में आए। अबू मोहम्मद जैसे खुश अखलाक लोगों से और ज़्यादा मिले, इन जैसे मेहमान नवाजों से अल्लाह इन्हें और दे। ठीक है, अब हम चलते हैं और हमारे व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, कोई नई जगह के साथ। चलो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। فتلك مظاهر